अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपने मेरे जा रहे एक बहुत ही खास रेसिपी, इसका नाम है KFC राइस बॉक्स। यहाँ पर जब आप देख रहे हैं ये चिकन फ्राइड, ये मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ जो कि चिकन पॉपकॉर्न के नाम पर है। आपको इसकी लिंक वीडियो में दे दी जाएगी ताकि आप इसे घर पर खुद बना सकते हैं। और आजकल तो मार्केट में आपको रेडीमेड भी मिल जाता है, आपकी चॉइस है, आप वो भी फ्राई करके बीच में ऐड कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आपको इस रेसिपी के लिए चाहिए यहाँ पर सॉरी राइस जो है, चावल आपको चाहिए। मैं 1 किलो आपको हिसाब बता रही हूँ। तो यहाँ पर 1 किलो चावल है जिन्हें अभी मैंने वॉश नहीं किया, तो ये हो गए चावल। बीच में पानी जाएगा 1.5 लीटर जितना, और अगर अपना हिसाब करना चाहते हैं वो भी आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन 1 किलो पानी में 1.5 लीटर जितना पानी जाता है। उसके बाद तेल जो है, कोई भी कुकिंग ऑयल आप इसमें डाल सकते हैं, 200 ml जितना। आप देख रहे हैं मैंने इनको इसलिए जग्स में डाला क्योंकि ये मेजरिंग जग्स हैं, तो इसमें ये कि आपकी चीज़ ख़राब नहीं होती। तो ये वो हो गई। उसके बाद जो बीच में शिमला मिर्चें हैं, इसमें आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने मैंने इसलिए रखे हुए आपको ये चीज़ दिखाने के लिए कि कोई भी कलर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप तीनों कलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 3 छोटे साइज के लेंगे, अगर आप 2 कलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 2 दरमियाने साइज के लेंगे, ठीक है। ये 1 किलो के लिए जो होता है 2 दरमियाने साइज ही होते हैं, योर चॉइस। मैंने यहाँ पे 3 लिए तो मैंने 3 छोटे लिए बेल पेपर्स। हरी मिर्चें बीच में जाएंगी, 4 से 5 कर लें, 6 योर चॉइस। मैंने यहाँ पे 5 रफली चॉप कर लिए, तकरीबन आधे इंच जितने टुकड़े मैंने इसके काट रखे हैं यहाँ पर। उसके बाद बीच में जाता है इसमें कनोर, जो आप ये देखें नोर की जो चिकन क्यूब्स होते हैं वो इसमें 2 अदद जाएंगे। इसमें एक्चुअली चाइनीज सॉल्ट भी जाता है, लेकिन क्योंकि काफ़ी जगह ये कहा जाता है कि चाइनीज सॉल्ट बैन है या उन्हें नहीं मिल रहा, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो आप उसे बीच में छोड़ सकते हैं। उसकी जगह आप सॉल्ट जो है उसका, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो 1 किलो में आपको इसके लिए चाहिए होगा 1.5 टेबल स्पून जितना सॉल्ट हो गया। उसके बाद सब्ज इलायची, दैट्स ग्रीन कार्डमम, 8 अदद आपको चाहिए। क्लोव हो गई, लौंग, ये भी 8 अदद। फूड कलर जर्दे का रंग इस्तेमाल कर रही हूँ, थोड़े से पानी में डालकर इसको रखा हुआ है। उसके बाद मक्खन बीच में जाएगा, दैट्स बटर, अनसॉल्टेड इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आपको चाहिए होगा 125 ग्राम जितना, तो ये वो हो गया। ये तमाम चीज़ें इसकी सिंपल सी चीज़ें हैं, तो आपको दिखाते हैं आप इसको बनाना किस तरह है। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। सबसे पहला काम जो है, आप एक बड़े साइज की हांडी लेंगे ताकि आपके चावल खराब ना हो। छोटी हांडी होती तो उसमें जो है वो सही नहीं बनते। तो इसमें आप सबसे पहले शिमला मिर्च ऐड करेंगे, नोर की क्यूब्स, हरी मिर्चें, पानी, उसके बाद बीच में जाएगा तेल। क्विक रेसिपी है, हर चीज इसी में ही ऐड होती है। और उसके बाद बीच में आप डालेंगे मक्खन, सब्ज इलायची, लौंग, और बीच में जाएगा नमक। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें, और उसके बाद जो है फ्लेम को फिलहाल मैंने हाई पर रखा हुआ है ताकि इसमें मक्खन वगैरह तमाम मेल्ट हो जाए और इसमें एक जोश आ जाना चाहिए। उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें, यहाँ पर जो है बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। अब जो है चावल, मैंने जैसे उसमें बॉइलिंग स्टार्ट हुई तब मैंने इसको वॉश किया था, अब मैं इसमें डालने लगी हूँ जो कि वॉश किए हुए चावल हैं। चावलों को ऐड कर लें और उसके बाद इसको हल्के हाथों से आपने बीच में मिक्स कर लेना है, ठीक है। चावलों को मिक्स कर लेने के बाद फ्लेम आप हाई पर रखेंगे और आप इसे कवर करेंगे और इसको इतना कुक करेंगे कि जो पानी बीच में है वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाना चाहिए और चावल जो है आपके अच्छे से कुक हो जाने चाहिए। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। तो इसे कवर कर लें और हाई फ्लेम पर पानी ड्राई हो जाने तक इसको अच्छे से कुक करें। तो देख लें, यहाँ पे जो परफेक्टली पानी था ड्राई अप हो गया हुआ है, ये देखें साइड से मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल हल्के हाथ में लगा रही हूँ। अब आपने क्या करना है, कोई भी टी टावल आप लेंगे और आपने उसे कवर करना है लेड के ऊपर और आप इसे बिल्कुल दम पर रख देंगे लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए ताकि अच्छे से इसको दम लग जाए। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। दम दे देने के बाद जो है फूड कलर आप इसी के से इस पर डालते हैं,
ठीक है। और नीचे मैंने चूल्हा बंद कर दिया, इसको थोड़ा सा सेटल हो जाने दें, कवर कर रही हूँ वापस इसको फॉर अबाउट 10 मिनट्स के लिए। और उसके बाद जो है इसको हम मिक्स करेंगे हल्के हाथों से, और फिर इसको आपको मैं दिखाऊंगी कि डिश आउट किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो देख लें, यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, ठीक है। अब मैं इसे करने लगी हूँ डिश आउट। अब देखें, आप इसको सर्व अगर कंटेनर में, जब आपको सर्व होता है तो नीचे चावल होते हैं, साइड पे चिकन होती है, और बीच में जो सैलड डलता है वो लेटिस होता है और स्वीट कॉर्न, ठीक है। बीच में टमाटर भी डाल सकते हैं, जो आपके अपने चॉइस पर है, लेकिन मेरे घर में बच्चे ज़्यादा ये वो पसंद नहीं करते, तो सिंपली मैंने लेटस और जो है स्वीट कॉर्न डाल दिया हुआ, ये कैन का है। अब आप इसके ऊपर जो है जो मर्जी सॉस केचप के साथ सर्व कर लें, स्वीट चिली सॉस जो कि चाइनीज के पकौड़े या समोसों के साथ जाती है, या फिर स्वीट चिली गार्लिक सॉस, वो आप इस पर डाल सकते हैं। तो इसी के से आप इसको चिकन को कवर करते हैं इसके साथ। साथ में आप इस पर डालेंगे थोड़ी सी मेयोनीज, ठीक हो गया। इसको डिश आउट कर देते हैं। इसी के से आप बनाते हैं घर पर KFC राइस बॉक्स, बच्चों को ज़रूर ट्राई कराइएगा, इसका जायका बहुत ही मज़ेदार होता है, आप ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी जो कि आपको मिलती है इंग्लिश में, वो है मेरी वेबसाइट पर cookwithfaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप जो कि फ्री है वो भी डाउनलोड कर ली होगी, तो ज़रूर बनाइएगा, बताएं कैसा लगा। दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।